हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि मारुति सुजुकी एल्टो 800 किस तरह लग रही है। आपको दिख रही होगी गाइस, देख रहे हो शीशा भी फूटा पड़ा है इसका, मिनर भी है, राइट फ्रंट डोर भी है, फेंडर भी है, हेडलाइट भी है और बम्पर भी है। गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बोनट खोल दिया, मुबारक भाई ने बोनट खोल दिया, मैं टी ले आया 10 नंबर की। अब फेंडर के ऊपर तो मैं दिख रहा होगा बोनट, चलिए इस बम्पर खोल दिया हमने। अब हम खोलते हैं फेंडर, फेंडर मैं खोल रहा हूँ, ये हमने खोल दिया फेंडर। ये मुबारक भाई हमारे खोल रहे हैं, ऊपर का 10 नंबर का बोल्ट खोल रहे हैं। अब खोल दिया हम ये, देखा दिख रहा है किस तरह मुड़ रहा है, ये देख रहे हैं। वाइपर बोतल है, वाइपर बोतल, अब इसकी फिटिंग करते हैं। ये लोअर ग्रिल है, नेट बोलते हैं इसे। अब हमने नेट की फिटिंग कर रहा हूँ, मैंने बम्पर गत्ते पर रख रखा है, इसका फ्रेम ले गया नीचे मेरा फ्रेम। देखिएगा इस किस तरह फंसा रहा हूँ मैं, ये इसके नक्के होते हैं, ये फंसाने पड़ते हैं ध्यान से गाइस। ये हमने बम्पर फंसा के दिखा दिया, ऊपर से एक नक्का फंसा रहा हूँ मैं गाइस। चलिए अब वाइट कर स्क्रू लगाते हैं, इसमें 5 स्क्रू होते हैं गाइस, 5 स्क्रू लगा दिए हैं, लगा रहे हैं हम, एक इधर लगा दिया, ये हमारे स्क्रू लग गए। चलिए गाइस अब हम करते हैं इसकी हेडलाइट की सेटिंग। सबसे पहले लेफ्ट की हेडलाइट लगाता हूँ मैं, ये हमने हेडलाइट फंसा दी इसमें अंदर, ये देखिए। अब एक वाइट कलर का स्क्रू होता है इसमें मोटा, अब हमने ट्विन वन से स्क्रू लगाना स्टार्ट कर दिया, ये टाइट कर रहा हूँ मैं। और गाइस हमारा ऊपर का पेच लग रहा है ये देखिए, अब मैं राइट की लगा रहा हूँ, राइट में भी इस तरह की हैं बोल्ट। और ये हमारा हेडलाइट लग गई, देखो गाइस ये टी से लगा रहा हूँ मैं, 10 नंबर की टी से लगा रहा हूँ गाइस। अब राइट फ्रंट नीचे का बोल्ट लग रहा है इसमें, चार पेच होते हैं, एक फ्रंट पे, एक लेफ्ट में, एक नीचे और इधर लगा दिया। चलिए गाइस अब एक बार बोनट रख कर हम इसकी सेटिंग कर, इसमें एक बार मैंने बोनट रख कर देख रहा हूँ गैप तो नहीं, गैप पूरी तरह सेट कर रहे हैं। चलिए और लाइट तो हमारी सेट हो गई, अब हमारा बम्पर लगाने की बारी आ गई, नया बम्पर फिक्स करता हूँ मैं गाइस। देखो बम्पर फिक्स कर रहा हूँ मैं, और ये हमने बम्पर लगा दिया, ऊपर के पेच लगा रहा हूँ मैं 10 नंबर के इसमें, और ये राइट साइड के ब्रैकेट में फंसा दिया मैंने। चलिए अब लेफ्ट साइड से फंसाता हूँ ये, और ये हमने लेफ्ट साइड का भी फंस गया। चलिए गाइस अब हम लगाते हैं इसमें 10 नंबर के बोल्ट टी से गाइस। देखो ज़्यादा टाइट करनी ठीक नहीं था क्योंकि बम्पर फट जाता है। चलिए गाइस अब राइट में तो मैं लगा दिया, लेफ्ट का फ्रंट का लगाता हूँ, ये देखो ये गाइस हमने इसमें लगा दिया, एक लगा दिया है इधर का भी लगा दिया। अब सामने का लगाता हूँ लेफ्ट में ही, इसमें 5 होते हैं, इसमें 3 लगा दिए, एक हमने लोअर ग्रिल में लगाना पड़ता है नेट में। ये गाइस हमारे लग गए, स्क्रू लगाता हूँ मैं नीचे की तरह, देखिए गाइस ये हमारा 2 इन 1 से लगा रहा हूँ मैं, इधर भी लग गया और राइट साइड में लगाता हूँ मैं। देख रहे हो ना गाइस गैप किस तरह पूरा प्रॉपर आया है, और ये हमारे पेज फाइनल हो गए। अब 2 लाइनिंग क्लिप लगाता हूँ मैं नीचे, इसमें नीचे 2 लाइनिंग क्लिप लगाने पड़ते हैं, ये देखो गाइस ये हमने लगा दिया। अब हमारा बम्पर फाइनल हो चुका है, अब गाइस एक बार बोनट रख के देखता हूँ मैं पूरी तरह से गैप सही आया है या नहीं। गाइस हमने बम्पर फिक्स करके बोनट लगा दिया, लाइट पर हाथ करके देखता हूँ गाइस, और ये हमारी बम्पर लग गया है गाइस। गाइस अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी हर वीडियो देख सकें। गाइस इस वीडियो में काफ़ी टाइम लगा है मुझे बनाने में गाइस,
जो आपने पिछली वीडियो में बहुत प्यार दिया था, इस वीडियो में भी गाइस अच्छा प्यार देना। थैंक यू।